कर दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां इस समय सभी लोग हैरान हैं कि करण क्या बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों करण ने यहां पर प्रीता भी मौजूद थी, पलकी भी मौजूद थी दोस्तों, और आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर, सॉरी, सभी लोग मौजूद थे, जिन सभी लोगों के सामने साफ साफ करण बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मेरा बेटा है राजवीर। जी हाँ, क्योंकि राजवीर को अपने बेटा घोषित कर दिया है, और बेटा घोषित करने के बाद में इस समय साफ साफ ये भी स्पष्ट हो चुका है कि करण ने ये भी पुष्टि की है कि मैं किसी भी तरीका से अपने बेटे को और अपनी वाइफ प्रीता को इस घर से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत समय इन लोगों से दूर रह लिया, क्योंकि अब मुझे इन लोगों की साफ साफ जरूरत है, इनको मेरी जरूरत है, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि हर एक कहानी के पीछे बेहद बड़ी विजुअलिटी देखने को मिलती है, और इस समय कहानी की विजुअलिटी जो देखने को मिल रही है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प देखने को मिलेगा आप लोगों के बीच में, जहाँ पर इस समय साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा सौर्य कि फिर हम कौन हैं आपके, ये बता दो, जिसके बाद में बोलता हुआ नजर आएगा करण सौर्य से कि तुम मेरे बेटे हो, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर कोई और नहीं है बल्कि ये भी तुम्हारा भाई ही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी बहुत ही बड़े ट्विस्ट पर जा चुकी है, जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही ये भी देखने को मिलेगा कि मोहन इस समय साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा, मोहन इस समय सॉरी यहाँ पर करण बोलता हुआ नजर आएगा कि आप और राजवीर दोनों सौर्य साथ रहोगे तो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम साथ नहीं रहना चाहते हो तो ये तुम्हारा कॉल है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रक्रिया थोड़ी घनी नहीं बल्कि बेहद